अब हम अराफात के मैदान में पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पर हमें खेमा भी मिल गया, आज बहुत अच्छा इंतजाम था। सबको उनके कार्ड देख देख कर ही उन्होंने अंदर आने दिया खेमों में। ये हमारे नुसुख कार्ड है जो कि देख कर अंदर आने दिया गया है। कल क्या हुआ था कि कल छोड़ दिया गया था, लेकिन किसी ने चेकिंग नहीं की थी तो दूसरों के खेमे में दूसरे लोग बैठ गए थे, तो जिसकी वजह से बहुत लोगों को परेशानी हुई थी, बाहर धूप में बैठना पड़ा था। लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, आज उन्होंने बाहर से बस से उतरते ही सबको लाइनें बनवा के भेजा है। सो आज बहुत सही इंतज़ाम था। यहाँ पर अराफात के मैदान में हम लोग पहुँचे हुए हैं। सो यहाँ आना बहुत ज़रूरी होता है, यहाँ आए बगैर हज नहीं होता है। तो बाकी के जो भी हमारे अहकाम है हम अदा करेंगे। अभी हाल फिलहाल हम यहाँ पर थोड़ा सा आराम करेंगे। आप पूरे खेमे में इस तरह से इन्होंने बिस्तर लगाए हुए हैं छोटे छोटे से, और ये लेडीज़ का डिपार्टमेंट अलग और जेंट्स का डिपार्टमेंट बिल्कुल अलग कर दिया है। इसमें कोई भी जेंट्स नहीं होगा और लेडीज़ भी अलग रहेंगी। यहाँ पर आज बहुत अच्छे इंतज़ाम है। ये करीबन 1.5 फुट का गद्दा है और 5 फुट लंबा, 1.5 फुट चौड़ा एक एक बंदे को दिया गया, एक तकिया और एक चादर। तो यहाँ पे आप आराम से देख सकते हैं कितने बड़े बड़े इन्होंने, वजह से बहुत ज़्यादा ठंडक है यहाँ पर। पूरे इसमें कूलर ही कूलर लगे हुए हैं, एक लाइन में करीबन 5 कूलर हैं। सो आज बहुत, कल गर्मी में हमने दिन गुजारा था, लेकिन हज के लिए आए हैं तो थोड़ी बहुत तो तकलीफ़ होगी भी, तो आराम से हम लोग उसको हम आराम से झेल लेंगे, कोई परेशानी नहीं है। सो आप लोगों से गुजारिश है, आप लोग दुआ करें कि हमारे जो हज के काम है पूरे हो जाए आसानी के साथ। अभी तक तो बहुत ही अच्छा जा रहा है, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। छोटी मोटी परेशानियां वो होती रहती हैं, लेकिन जिस तरह से हमने सुना था, डराया गया था कि ये होता है वो होता है, ऐसा कुछ भी नहीं था। बहुत ही यहाँ पर इंतज़ाम सऊदी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे करे हुए हैं, कोई परेशानी नहीं हुई किसी भी तरह की। खाना पीना अनलिमिटेड है, जितना मर्जी आप खाएं, टाइम टू टाइम आपको चाय पानी नाश्ता सब यहाँ पे मिल रहा है। कल सारा दिन इतना खाना पानी था कि रात को खाना खाने के टाइम में हमने हाथ खड़े कर दिए कि हम नहीं खा सकते भाई, हमने फिर रात को खाना नहीं खाया क्योंकि दिन में ही इतना खा पी लिया था। और साथ में अब आज हम यहाँ रहेंगे शाम तक, शाम के बाद फिर हम आगे जाएंगे। सो उसके बारे में भी वीडियो बनाकर आपको ज़रूर बताऊंगी मैं। अल्लाह हाफिज़। आपसे गुजारिश है, आप हमारे लिए दुआ कीजिए, हम आपके लिए दुआ करेंगे। और अगर कोई चाहता है कि उसके लिए जाकर अराफात के मैदान में दुआ करी जाए तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। सना बेटा, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, आपकी दुआ करनी है वो तो मैं कर रही हूँ जब से आई हूँ। सो मैं आपके लिए दुआ इंशाल्लाह ज़रूर करूँगी, और अल्लाह ने चाहा तो जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। 20 दिन का टाइम आपको डॉक्टर ने दिया है, इंशाल्लाह आपको 15-10 दिन में ही खुशखबरी जो भी है आपकी सही हो जाएगी, ऐसी कोई टेंशन मत लेना, ठीक है। नमाज़ पढ़ो, अल्लाह पे विश्वास रखोगी सब कुछ होगा। खुदा हाफिज़।